आज जो माहौल है ना शहर का वो अलग ही है, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और दोस्तों आज जो माहौल है ना शहर का वो अलग ही है, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी है तो जगह जगह सेलिब्रेशन, कान्हा जी के बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसके लिए अलग अलग चीज़ें की जा रही है शहर में। ठीक वही एक जगह पे मटकी फोड़ कंपटीशन हो रहा है आज शहर में। मैं रेडी हूँ वहीं जाने के लिए, देखने के लिए। मैं तो नहीं खेल रहा हूँ लेकिन बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि फुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, डीजे साउंड म्यूज़िक और ग्रुप्स आए हुए हैं उसको तोड़ने के लिए। शहर में क्या हो रहा है, कहाँ कितना अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है सारा दिखाऊंगा। ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जो लोग भी नए हैं। बिना किसी देर किए गाड़ी की चाबी आए हाथ में, चलिए चलते हैं। दोस्तों यही वो मटकी है जिसको आज फोड़ा जाना है, देखते हैं कौन सी टीम फोड़ेगी, पता नहीं है लेकिन काफ़ी हाइट पर लगी हुई है ये, करीब 23 फुट ऊंची हाइट पर लगाए रखी है इसको। आ चुका हूँ मैं यहीं पर, सामने सारी टीम आती जा रही है, प्रोग्राम का शुरुआत हो रही है। तो यही जो सर, यही जुनून चाहिए आज की इस प्रतियोगिता में आप सभी की तरफ से। एवरीवन एवरीवन बिल्कुल तैयार रहिए, कुछ देर में करेंगे इस प्रतियोगिता की शुरुआत। देख सकते हो दोस्तों अभी तैयारी चल रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी VIP गेस्ट वगैरह और जो पूरी टीम है वो मार्च पास के लिए गई हुई है, तो वो आने वाली है, जल्दी शुरू होने वाला है पूरा प्रोग्राम। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतनी दिखाता हूँ। Come on, sabhi log ek baar zor mein shor machayenge।
कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास डॉक्टर हैं। मटकी टूट चुकी है दोस्तों, भीड़ बहुत है, घर पहुंच के करता हूं मैं आपसे बात। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं घर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो आवाज नहीं आई थी आपको अच्छे से, इसलिए मैं वहां पे वीडियो शूट नहीं किया उतना। वापस से घर आ गया, मटकी फूट चुकी थी, व्हाइट वाली जो टीम है वो जीत चुकी थी फाइनली, उसको 31,000 का इनाम मिला है, क्योंकि जो भी मटकी फोड़ता उसको 31,000 रुपये का इनाम था, तो वो टीम जीत गई थी। क्या नाम था तो वो तो मेरे को भी याद नहीं है, और जो पूरा का पूरा जो हाइट था वो 23 फीट की थी, तो मज़ा आया देख के। आप लोगों को देख के वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, याद से कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों जो लोग भी नए हैं, क्योंकि आपको अच्छा अच्छा दिखाने के लिए मेहनत लगती है, खड़े होकर बनाना पड़ता है उसके लिए। बाकी आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा मैं आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।